नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें प्रश्न दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इसमें आपको बताना है जो संख्या दे रखी है 10 और 250, इनके बीच में कितने गुणज हैं। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे पहले एपी। हम क्या बनाएंगे बच्चों? एपी। और एपी कैसे बनाएंगे? इसमें देखो पहली संख्या 10 है और इसकी लास्ट वाली संख्या कितनी है? 250। इनके बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं उनमें 4 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है। जैसे बात करूँ, 4 का भाग 10 में जाता है क्या बच्चों? नहीं जाता पूरी पूरी बार। फिर 11 में नहीं जाता है, यानी ऐसी कौन संख्या है उसमें 4 का भाग जाएगा 12। ठीक है, फिर इसमें 4 ऐड कर लो, कितना हो गया? 16। फिर 20। इस प्रकार हम इसकी एपी बना लेंगे। अब आपको देखना है इस 4 का भाग 250 में जाता है क्या। तो हमने देखा 250 में 4 का भाग तो नहीं जाता, यानी ऐसी संख्या 248 है लास्ट वाली, उनमें 4 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न की एपी बन जाएगी। अब देखो इसमें ए का मान कितना है। ए का मान जो पहला पद होता है वो ए का मान कहलाता है। इसमें ए का मान हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे डी का मान। आप जानते हो इसका फॉर्मूला होता है, दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करते हैं। इसमें दूसरा पद कौन सा है? इसमें दूसरा पद है 16 माइनस A1, यानी इसका पहला पद है 12। तो बाकी करने पर प्राप्त हो जाएगा 4। इस प्रकार हमें डी का मान प्राप्त हो गया 4। इसमें जो लास्ट वाला पद दे रखा है, अंतिम पद, इसका मान है 248। ठीक है, आपको ज्ञात करना है एन का मान, यानी हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? एन का मान ज्ञात करना है। हम प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी आपको बताना है कितने गुणज है। तो इसमें एन का मान हमें ज्ञात करना है। आप जानते हो हम जिस सूत्र का काम में लेते हैं वो सूत्र है AN = A+N-1D। अब क्या करना है, जो मान दे रखे हैं इनको उठाकर फॉर्मूले में फिट करना है। तो हम देखेंगे पहले अंतिम पद। अंतिम पद का मान कितना है बच्चों? 248 है। इसके बराबर में ए का मान आएगा। ए का मान कितना है बच्चों? 12 है। आगे साइन प्लस का, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। एन का मान तो दे ही नहीं रखा, तो एन माइनस वन कर देंगे। फिर डी का मान लिखेंगे और डी का मान हमारे पास में 4 है। अब लिखेंगे 248, इसके बराबर में 12 है, इसका करेंगे पक्षांतरण। तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 12 हो गया पक्षांतरण करने पर। और यहाँ पर उतारेंगे एन माइनस वन और यहाँ पर कर दिया मैंने 4। ठीक है, अब बाकी करते हैं। 248 में से 12 घटाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे 236। इसके बराबर में कितना है बच्चों? एन माइनस वन है। ठीक है, अब देखो इसमें 4 इंटू में था इधर, इसको नीचे लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। अब उतारेंगे एन माइनस वन, इसके बराबर में 236/4 है। हम 4 का भाग 236 में देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा भागफल 69 भाग देने पर। ठीक है, हमें ज्ञात करना है एन का मान, इसके बराबर में कितना है बच्चों? 69 है। इस माइनस एक का करेंगे पक्षांतरण तो ये प्लस का हो जाएगा 1। तो एन बराबर कितना हो गया? 59/1 60। तो एन का मान हमें प्राप्त हो गया 60। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को सोल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।